हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के दही बल्ले। तो देखिए, मैंने ये 1 कप मूंग दाल को मिक्सी में ग्राइंड करके ले लिया है और अब मैं इसके दही बल्ले बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं आपको फेंट के बता देती हूँ उसको। देखिए, सिर्फ मूंग दाल ही है, छिलटे वाली दाल, इसमें उड़द की दाल नहीं मिलाई है मैंने। इसको मैं ऐसे 5-7 मिनट तक ऐसे ही हाथों से फेंटूंगी। देखिए, 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे ऐसे फेंटते हुए। इसको 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको फेंट लिया है। चलिए, अब मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। चलिए, ऑयल गरम हो गया है। अब मैं देखिए, अब मैं तलना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा मुझसे बैटर पतला हो गया है तो आप बहुत एक दो चम्मच डालकर ही पीसना, नहीं तो बैटर ऐसा पतला होकर ऐसा फैलने लगेगा, जैसे फैल रहा है। देखिए, कल तो बहुत अच्छा रहा है। देखिए, ये अच्छी तरह फूल भी रहे हैं। चलिए, अब मैं इनको पलट देती हूँ। इसको इतनी अच्छी तरह फेंटा मैंने, देखिए कितने अच्छे फूल फूल के आ रही है। चलिए, अब हम इनको निकाल लेंगे। इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं डाला है हमने। देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं हमारे भल्ले। चलिए, मैं गैस बंद कर देती हूँ। सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। चलिए, अब हम दही को फेंट लेंगे। देखिए, ये घर का मीठा दही है जो मैंने जमाया था घर पर। देखिए कितना ठीक, कितना अच्छा दही है और मीठा दही है ये। तो आप भी मीठे दही का यूज़ करना, नहीं तो खट्टे दही में हमारे टेस्टी नहीं बनेंगे जो दही भल्ले है। देखिए कितना अच्छा मेरा दही है। मैं गाढ़ा गाढ़ा ठीक जमकर तैयार हुआ था।
चलिए अब मैं इसको चम्मच से ही ऐसे फेंट लेती हूँ। मैं इसमें दही में पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि पानी डालेंगे तो हमारा दही पतला हो जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ा दूध डालने वाली हूँ। तो दूध से हमारा दही बिल्कुल भी पतला नहीं होगा, और ये जो दूध डाल रहे हैं तो ये दूध भी इसमें ही हमारा फटी जाता है ना दूध भी, तो वो भी दही बन जाएगा, तो इसलिए पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया, थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ। हो सके तो आप भी दूध का ही यूज़ करें इसमें। ये मेरे पास चाशनी है, ये चाशनी है, तो मैं इसमें 2 चम्मच चाशनी डाल दे रही हूँ। चलिए हो गया है, फेंट लिया है मैंने दही को। अब मैं इसमें हमारे दही भल्ले डाल दूंगी। देखिए दही भल्लों ने भी अच्छी तरह पानी पी लिया है, और देखिए कितने अच्छे स्पंजी तैयार हुए हैं ये। तो अब हम इनको इसमें डाल देते हैं, हल्का हल्के हाथों से पानी को निचोड़कर सब दही भल्ले हम इसमें डाल देंगे। देखिए कलर भी चेंज हो गया है दही भल्लों का हमारे, जब तले थे तो गोल्डन गोल्डन थे, अब लाइट लाइट हो गए हैं। चलिए अब हम इसको ढककर रख देते हैं। अब चटनी की तैयारी करते हैं। देखिए जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था सब पानी में निकल आया है इसका। चटनी के लिए मैंने ये 5 हरी मिर्ची ली है, अपने स्वाद के हिसाब से लीजिएगा आप, और ये थोड़ा हरा धनिया ले रही हूँ मैं। चटनी पीसते समय जो भी इसकी अगर हरे धनिया की डंडी है तो इनको नहीं फेंकना है, हरी डंडी के साथ ही इसको पीसना है, तो इससे चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हरे धनिए का। इसमें लहसुन वगैरह नहीं डालूंगी मैं, अब ये 1/2 चम्मच ज़ीरा डालूंगी। चलिए मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। चटनी को मैंने पीस लिया, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। चटनी में स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ मैं। जार को खंगाल कर इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। चलिए मैं इसका अब सूखा मसाला बना लेती हूँ। तो ये 2 चम्मच मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया। एक चम्मच भर कर मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। 7 से 8 लौंग डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको मैं सूखा पीस कर अलग रखूँगी, जब भी हम चाट वगैरह बनाएंगे तब यूज़ में आएगा ये, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। चलिए मैं गैस जला लेती हूँ, हल्का हल्का सा इसको हम रोस्ट कर लेंगे। चलिए रोस्ट हो गया, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मेरे पास खलबत्ता नहीं है, इसलिए मैं इसको मिक्सी के जार में
बस दरदरा ही पीस लूंगी। देखिए दरदरा कर लिया है मैंने इसे, अब मैं इसका मसाला बना लूंगी। देखिए अब कुछ मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी। तो ये एक चम्मच काला नमक डाल रही हूँ मैं, काला नमक है ये, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स, नॉर्मल नमक जो सादा नमक हम यूज़ करते हैं डेली, ये एक चम्मच, आधा चम्मच नींबू का फूल। अब इन सब मसालों को मैं जार में ऐसे भरकर रख दूंगी, इसे मिक्स करके भर के रख दूंगी। तो ये हमारा चाट मसाला रेडी हो गया है। देखिए इसू का हमारा चाट मसाला हमने घर पर तैयार कर लिया। तो चलिए मैं भी इसको अभी डिब्बे में भर लेती हूँ। और ये थोड़ी सी इमली ली है, अब मैं इसको भी ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। इमली को मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसमें ऐसे छान लूँगी तो इसका जूस इसमें निकल जाएगा। और जो भी इसका गूदा उदा है, जो भी इमली में जो भी सूते होते आते हैं, तो वो छन कर सब निकल आएगा। इमली के पानी को मैं अच्छी तरह पका लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। पाव चम्मच जीरा पाउडर, पाव चम्मच गरम मसाला पाउडर, काला नमक मेरे पास ख़त्म हो गया है इसलिए मैंने सादा नमक डाला इसमें। अब इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही पकाएंगे। इसमें मैं थोड़े से मगज़ डाल रही हूँ, अगर किशमिश है तो आप किशमिश भी डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। तो मेरे पास नहीं है अभी, तो मैंने इसमें थोड़े से मगज़ ही डाल दिए। चलिए बन गई है हमारी इमली की चटनी। इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हो, मैं इसमें चीनी का शीरा डाल रही हूँ जो चाशनी बनी रखी है मेरे पास। तो इस चीनी में मैं इस इमली के पके हुए जूस को डाल देती हूँ। बस मैंने अभी के लायक बनाए जितना यूज़ होने वाला है, बाकी का मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारी कितनी अच्छी चटनी इमली की बनकर तैयार हुई है, और ये ग्रीन चटनी है, और ये जो मैंने बनाया है हमारा पाउडर चाट। हाँ
देखिए गाढ़ी गाढ़ी कितनी अच्छी दही है हमारी, तो ऐसे ही रखना और पानी की जगह इसमें आप लोग दूध डालना तो बहुत अच्छा बनकर हमारे दही भल्ले तैयार हो जाएंगे। अगर पानी डालते हैं तो इसमें बहुत पतला दिखता है, वो अच्छा नहीं होता है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा दही देखिए कितना अच्छा लगेगा। चटनी को मैंने हरी चटनी को पतला नहीं किया है, गाढ़ा गाढ़ा ही रखा है। मेरे बच्चे कम तीखा खाते हैं इसलिए मैं ज़रा कम कम हरी चटनी डाल रही हूँ। देखिए ये दही भल्ले की रेसिपी मूंग के दाल के जो मैंने बनाए हैं भल्ले, तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी तो मुझे बताना और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू, मिलती हूँ अगली वीडियो में।